देखिए दोस्तों, 2 मिनट के अंदर आसानी से किस तरह से पानी बॉयल हो गया। तो चलिए दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओप्पो लाइफस्टाइल। दोस्तों फिर से स्वागत हो एक नया वीडियो में। आज का जो दोस्तों वीडियो है, ये प्रेस्टीज का जो इंडक्शन है उसी का बारे में दोस्तों हम डिटेल्स बताने वाला है। ये कितना वाट का है, क्या क्या इसमें फंक्शन है और कहाँ से आपको खरीदने वाला है, कितना प्राइस आएगा आपको, पूरे डिटेल्स दोस्तों वीडियो में बताने वाला है। और किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से इसको चलाया जाता है, तो हम डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखें दोस्तों। और हमारा चैनल पे अभी जो नया है, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो को। ये जो दोस्तों देख रहे हैं, ये कंट्रोल पैनल की है, ये ऑन ऑफ की स्विच है, उसके बाद ये नीचे फंक्शन की स्विच है, और ये फ्लैश मतलब ज़्यादा होगा जो आपका वोल्टेज बढ़ाने के लिए। और पीछे की तरफ दोस्तों दिखा रहा है एक पंखा लगा हुआ है, जो अंदर जो गर्मी है, अंदर का जो हीट है, ये बाहर निकालने के लिए पंखा लगा हुआ है। जैसे आप इंडक्शन ऑन करेगा तो ये पंखा चलते रहेगा आपका। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिटेल बताता है। ये प्रेस्टीज का जो मॉडल है एटलास 3.0 प्लस की है, जो पावर है 1600 वाट की है, और जो वोल्टेज है 230 वोल्टेज एसी एंड 50 हर्ज। ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, जो नोटिस में लिखा है, अगर खाना बनाने के बाद तुरंत जो ग्लास पैनल है इसमें हाथ ना लगाए, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो ग्लास पैनल है जहाँ पे राउंड गो राउंड कलर का जो बूटी बूटी लगा रखा है दोस्तों, वो थोड़ा सा गर्म रहता है, ताकि आपका हाथ सेफ्टी रहे और इसको हाथ ना लगाए। तो चलिए दोस्तों किस तरह से इसको ऑपरेट करना हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। पहली बात तो जो है, जो प्लग इसको बोर्ड में लगाइए, और लगाने बाद इसमें देखिए दोस्तों डिस्प्ले में एक बूटी बूटी जो लाइट आ रहा है, तो आने के बाद इसका मतलब जो लाइट आ रहा है इंडक्शन में। तो इसके बाद ऑन ऑफ का जो स्विच है दोस्तों, ऑन ऑफ का बटन, इसको एक बार दबाने के बाद ये इंडक्शन ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन हो गया। अब इसको ऑन होने के बाद हम इसको वोल्टेज कमाता है। अब ये 1200 वोल्टेज का है, हम 1000 कर दिया, इसको और भी कमेगा 800, फिर हम इसको और भी कमाता है 500 हो गया, 500 से और भी कमाए 300, 300 से कमा के 100 कर दे, इससे और आगे कम नहीं होगा दोस्तों। और बढ़ने के बाद कितना होगा, 1600 तक होगा। मैं 12 के भी दिखा रहा है, 300 हो गया, 500 हो गया, फिर आपका हो जाएगा 800, फिर 800 के बाद 1200 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 के बाद 1200, 1200 के बाद 1600, इसके आगे और नहीं होगा दोस्तों। इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, मिनिमम 100 तक है और मैक्सिमम 1600 तक है, इसके ऊपर 1600 के ऊपर नहीं होगा। तो मेरे इतना ज़रूरत नहीं है पानी गर्म करने के लिए, तो इसलिए हम इसको कम कर दिया टेम्परेचर को, मैंने 800 में रखा। देखिए किस तरह से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा गर्म। तो हम इसको आप फिर दूसरी फंक्शन बता दें, जो टाइमिंग वाला है, आप टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, या 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा, 3 मिनट बाद बंद हो जाएगा, अब अपने मर्जी से अपना जितना जरूरत है आप कर सकते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यहाँ पे आपका फंक्शन मिल जाएगा। जो आपका टाइमिंग बटन है वहाँ पे क्लिक करेगा तो आपको टाइमिंग बटन आ जाएगा फंक्शन। ये जो प्रेस्टीज कंपनी है दोस्तों, ये मेड इन इंडिया का है। अब आता है दोस्तों फंक्शन में। जो फंक्शन में नीचे आपको 7 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है प्रेशर कुकर, फिर कारी, वाटर, सूप, हॉट मील, फिर कीप वार्म। ये जो 7 फंक्शन है दोस्तों, आप हमने जितना जरूरत है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग के बारे में, किस तरह से आपको मेंटेनेंस करना। पहली बात तो आपको स्विच ऑफ करना, इंडक्शन ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद इसको जो प्लग से इसको बोर्ड से रिमूव करना, फिर थोड़ी देर इसको आधा घंटा के लगभग आप इसको रहने देना, क्योंकि गर्म रहता है इसको, जब तक ना ठंडा हो रहा है तब तक इसको साफ़ नहीं करना। फिर ठंडा होने के बाद आपको जो सूखा कपड़ा से इसको साफ़ करें, बिल्कुल पानी नहीं डालना। तो देखिए दोस्तों हमारा पानी अभी बॉयल होने लगा, और इसको मैं ऑफ कर दिया, मेरा पानी बॉयल हो गया। दोस्तों ये जो खास बात है, बहुत सारे आदमी का मन में ये शंका रहता है कौन सा बर्तन इस्तेमाल करें प्रेस्टीज इंडक्शन में। तो ये सीधा साफ बात है, जो स्टील की कोई भी बर्तन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई अलग सा आपको बर्तन चाहिए, कोई भी ऐसा जरूरत नहीं है, जो स्टील का कोई भी बर्तन आप यहाँ पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो प्रेस्टीज इंडक्शन है, ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए मैं एक छोटा सा टिप बताता है। जब आप खाना बनाएगा, जरूरत से ज़्यादा आप पानी ना डालें उसमें, क्योंकि ये खाना जब आप बॉयल होता है तो पानी बहुत बाहर निकलता है, वो इंडक्शन के अंदर जाता है, वो अंदर जाने के बाद जो शॉर्ट सर्किट होता है, इंडक्शन ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। अगर हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए।